सत्ता में आने से पहले उन्होंने ये दावा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या आप मानते हैं अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए? देखिए, शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने केवल और केवल झूठ ही बोला है। पता नहीं मीटिंग में कब तक टिकटॉक बनाते हो, इनकी कोई तसल्ली नहीं है। मैं कहती हूँ कि अच्छे दिन के बजाय सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अब इनकी कोशिश ये है कि इस आंदोलन को तोड़ा कैसे जाए, ये इसलिए घूम रहे हैं। नमस्कार, जय जवान जय किसान, मैं चिराग शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। आज हम हिसार के इनेलो दफ्तर के बाहर मौजूद है। इनेलो भवन सिरसा रोड पर मौजूद है, जहां पर आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। प्रदेशाध्यक्ष सुनैना चौटाला यहां पर एक कार्यक्रम को संबोधित करती हुई नज़र आ रही है। वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहां पर जितने भी लोग हैं इनेलो पार्टी के साथ, जितने भी लोगों का समर्थन है, लोग जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। आप लाइव तस्वीरें आरएसएन एक्सप्रेस के माध्यम से देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी हम आपको अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे, क्या माहौल है अंदर का। अभी हमारे साथ सुनैना चौटाला खुद मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जो आज का कार्यक्रम था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था और आगे आने वाले समय में पार्टी किन किन कार्यों पर अपना कार्य करेगी, और यहाँ का माहौल आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम किया गया था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? इसमें एक्चुअली हमारा बहुत दिन से ये था कि जैसे संगठन की, सभी संगठनों की, इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन की जो मीटिंग हो रही है, उसी के चलते महिला संगठन की आज मीटिंग थी, और हमने सोचा था मीटिंग का, लेकिन आपने देखा कि मीटिंग से कहीं ज़्यादा बड़ा एक प्रोग्राम हो गया, इस तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। मैम, आगे का क्या कार्य रहेगा पार्टी की तरफ से और आपकी तरफ से बकायदा? देखिए, हमारा रहेगा कि हमने जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियाँ हैं, ओम प्रकाश जी चौटाला का हमेशा से यही मकसद रहा है कि उनकी नीतियों को हम लोगों तक लेके जाएं, क्योंकि आज तक आपने भी देखा होगा इतिहास में जितनी भी जन कल्याण की नीतियां हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल लेके आए, तो उसी के चलते हम आगे भी अपनी नीतियों को बढ़ाना चाहते हैं। महंगाई को देखते हुए मैं तो महिलाओं का कहती हूँ कि महिलाओं का भी जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता होता है, उसी तरीके से हम बेरोजगारी भत्ता बांधने के लिए, युवाओं के लिए हर घर में रोजगार मिले, मतलब हम अपनी नीतियों को लोगों तक लेके जाएंगे। एक बात और, जैसे दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो सरकार थी बीजेपी सत्ता में आने से पहले, उन्होंने ये दावा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या आप मानते हैं अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए? देखिए, शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने केवल और केवल झूठ ही बोला है। 15 लाख का वायदा भी उन्होंने किया था महिलाओं को, वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप उत्तर प्रदेश के कितने ही उदाहरण आपने देखे होंगे, हरियाणा में, पंचकुला में कितने उदाहरण आपने, ना बेटियों की शिक्षा के लिए कोई काम है। मैं कहती हूँ कि अच्छे दिन के बजाय सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सरकारी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, और ये जो सिलेंडर का जो हमारी मार पड़ी है, अच्छे दिन कैसे आएंगे? और जो डीजल पेट्रोल और रही कही कसर इन्होंने, 3 काले कानून, हमारी महिलाओं का आज एकत्रित होके हम गांव-गांव जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे और सरकार को घुटनों पे लेके आएंगे। अभी हमारे साथ किसान नेता अनुसूरा जी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है और जो आज का कार्यक्रम था, क्या इसका मुख्य उद्देश्य था और आगे की क्या कार्यकारी करनी रहेगी पार्टी की। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। जो आज का कार्यक्रम था, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? मुख्य, ये तो महिला सेल की मीटिंग थी, तो पूरे प्रदेश स्तर की का महिला संगठन था जो वो आया था आज, और यही कि आगे संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, इस बारे में मीटिंग थी। तो इस मीटिंग में क्या रणनीतियाँ ली गई मैम, कुछ करेंगे खुलासा? यही कि जो महिला संगठन है वो भी गांव में गली गली पहुँचे, सभी महिलाओं से संपर्क करें और उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करें। जो पॉलिटिकल ब्लैंक हरियाणा में है कि जो सरकार है, वो सरकार तो आजकल चंडीगढ़ में कैद है, वो तो बाहर निकलने लायक ही नहीं है, तो जनता को कोई तो संभालेगा। तो ये कहना है कि जो हमारा पुराना लोकदल है उसको दोबारा हम खड़ा करें। संगठन तो बन चुका है, लेकिन उस संगठन को पूरा गली गली तक पहुंचाने का काम हमें अब करना है। मैम, एक बात है, जैसे कि जो सरकार अब सत्ता में है, महंगाई दिन ब दिन आसमान छूती जा रही है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो दिन ब दिन और नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आती है तो क्या महंगाई को लेकर कार्य करेगी? बिल्कुल, देखो ये तो प्राथमिकता किसी भी सरकार की रहनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि ये जो अभी मौजूदा सरकार है, इसने जो बोलना उससे कितना उल्टा किया। इनकी स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठा करती, आपको याद होगा, और ये कहते थे कि जिस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है उसका रुपया कमजोर होता है, और वो बाबा रामदेव कहते 30 रुपये लीटर पेट्रोल। तो मैं उन सब लोगों से ये कहूँगी कि आप कम से कम बाहर तो निकलो, जनता के बीच में तो आओ, आपको जनता बताएगी।
मैंने देखा कल परसों की घटना है पंजाब में एक विधायक के साथ जो जनता ने किया, राजकोट की जनता ने, या सिरसा के अंदर जो डिप्टी स्पीकर बने हुए हैं रणबीर गंगवा, उनको जनता ने खदेड़ने का काम किया। ओपी धनखड़ को यहाँ पे माइय टोल से खदेड़ने का काम किया। जनता इनको इनका मुंह नहीं देखना चाहती, तो नाराज है जनता। एक बात है, ये जैसे कि इन लोगों को पता है, राजनेताओं को, कि जनता जितने भी लोग हैं उनसे दुखी हो चुकी है, फिर भी ये दौरा करते हैं। क्या इन्हें पता है कि ये दौरा करने से कोई विवाद हो सकता है, फिर भी दौरा किस लिए करते हैं? देखो, जो दौरा करने का इनका मकसद है, मैं लंबे टाइम से ये बात कह रही हूँ कि हमारा जो आंदोलन है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहा है। सरकार के गले पे अंगूठा हमने रखा हुआ है। अब इनकी कोशिश ये है कि इस आंदोलन को तोड़ा कैसे जाए। ये इसलिए घूम रहे हैं, ये बिल्कुल बचकाना से मीटिंग करते। कभी तो टिकटॉक यहाँ पे कहा भी था कि पता नहीं मीटिंग में क्या टिकटॉक बनाते हो। इनकी कोई तसल्ली नहीं है कि बड़ी बड़ी मीटिंग जो ये करते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ। इनका मकसद ये है कि हम आए, जनता विरोध करे, और ये मौका ढूंढ रहे हैं। कल परसों जो हुई घटना इस आर के अंदर ये आया था इनका जो भी, मैं इनको पदाधिकारियों के नाम नहीं जानती, और मैं इनको नेता तो मानती नहीं, मैं तो इनको टिकटॉक टीम कहती हूँ। ये जो टिकटॉक टीम इस आर में आई थी, किसान शांति से प्रदर्शन कर रहे थे अपना काला झंडा दिखा के, क्योंकि किसान समझ गए कि ये तो गढ़ लाग दे अंडे। तो किसानों ने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन रखा, क्योंकि ऊपर से भी यही मतलब जो इंस्ट्रक्शन है कि आपको शांति से करना है, और किसान भी समझते हैं कि सरकार के पल्ले तो कुछ रह नहीं रहा, इब तो ये गढ़ लागते अंडे। तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए महिलाओं को अभद्र तरीके से ये जो इनके नेता इशारे करके गए हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। और यही उम्मीद थी कभी तो शुरू में तो ये फिल्म स्टार लेके आए अपनी पार्टी के अंदर, शुरू में तो ये अपनी पार्टी के अंदर फिल्म स्टार लेके आए, फिर ये लेके आए वो स्टेज शो करने वाले नचा गाई टाइप के, अभी ये लेके आए हैं अपना टिकटॉक स्टार, और आगे आगे पता नहीं कौन कौन से खलीफे लेके आएंगे, कौन कौन सी खलीफा लेके आएंगे। तो इन ये पार्टी थोड़ी है, तो सांगी लोग हैं, सांग करते घूम रहे हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। एक सवाल, अंतिम सवाल और आपसे, इंडियन नेशनल लोकदल है जो पूरा मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में कार्य करती है, पूरी एक टीम है, आगे कोई नया फेस होगा या उनके नेतृत्व में ये कार्य पार्टी का आगे भी चालू रहेगा? देखो, ये तो आज ही अभय सिंह जी ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे वो ओम प्रकाश चौटाला जी ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी आज भी अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात को दोहराया है कि जैसे कई बार कोई नारा लगा देते हैं ना कि भावी मुख्यमंत्री, तो वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं, ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री दावेदार क्या मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि हरियाणा में और है कौन? उड्डा को तो फाइल दिखा देते हैं थोड़ी सी खोल के, जैसे ही थोड़ा सा अलबत्त निकलता ही नहीं, निकले तो फाइल ही खोल के दिखानी है कि बैठ जाए बोलबाला। ये टुकड़े टुकड़े गएंगे कांग्रेस तो, मतलब इनके तो हर एरिया में अलग अलग नेता वो मुख्यमंत्री बना के सोते हैं ये, बीजेपी जेजेपी को लोग घुसने नहीं दे रहे, तो और विकल्प ही नहीं है जनता के पास, ये चीज़ है।